क्या बात है अन्ना, खुश नजर आ रहे, दर्द कम हुआ क्या? एग्जैक्टली हरीश, देख मेरा दर्द गायब हो गया। ये सारी का दुकान मेरे को मैसेज करता है, इसको लगता है कि दी राघव राव इसको रिप्लाई करेगा। बहुत एटीट्यूड देता था ये मेरे को, जैसे कि इसको मेरे पे फीलिंग ही नहीं है। लेकिन अब देख आया ना पूरा फीलिंग बाहर, ये भी बाकी लड़कियों की तरह मेरे पे फ्लैट है। ये तो सच में सेल्फिश की दुकान है, एक रिप्लाई नहीं कर सकता। पुलिस वाले कांड में हेल्प क्या कर दी, खुद को राजकुमार समझ रहा है। अभी बताती हूँ। हेलो मिस्टर, तुम्हारा नाम राघव राव है, युवराज राव नहीं, जो इतना एटीट्यूड दे रहा, इतनी तमीज से तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछा, जवाब नहीं दे सकते? जवाब दोगे तो क्या बाइसेप्स कम हो जाएंगे तुम्हारे? ये सारी का दुकान को रिप्लाई करना भूल ही गया। कल रात से अभी तक टाइप ही कर रहा है क्या? मैं ना सिर्फ कर्टेसी दिखा रही हूं, ये मत सोचना कि तुमसे बात करने के लिए मर रही हूं। तुमसे बात करने से अच्छा है कस्टमर केयर वाले से बात कर लो। हाय पल्लवी, आई एम फाइन एंड थैंक यू मेरा जान बचाने के लिए। आई ओ यू वन। अब अपना लंबा एंग्री मैसेज टाइप करना बंद कर दो, तुम्हारा हर गाली 50 बार सुन चुका है मैं, सो रिलैक्स। आई अंडरस्टूड एंड हैप्पी होली। हैप्पी होली टू यू टू। अपना ध्यान रखना और ज्यादा होली मत खेलना, तुम्हें आराम की जरूरत है। I know, 27 का हूं, अपना ध्यान में खुद रख सकता हूं, तुम मेरा अम्मा बनने का कोशिश मत करो। मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है तुम्हारी अम्मा बनने में, बस कर्टेसी दिखा रही थी। लेकिन शायद तुम्हें तमीज से एलर्जी, इसलिए अपने वॉइस नोट डिलीट कर रही हूँ। सिर्फ ओके बोल के कौन बात खत्म करता? छोड़ना पल्लवी, तू भी किससे उम्मीद कर रही है? उसका ओके तो मेरा भी ओके, वैसे भी उसके मुंह लग के मुझे अपना दिन खराब नहीं करना। आज होली है और मुझे कंपटीशन के लिए साड़ी बनानी है, मुझे सारा फोकस उस पर रखना चाहिए। हैप्पी होली बापा। देखिए ना, आज होली है और ये घर कितना सूना है। आई बाबा निखिल कोई भी नहीं है। हर साल आपको रंग लगाने के बाद मैं आई बाबा के पाव पर रंग लगाती हूँ, लेकिन आज तो ये साल तुम मुझे रंग लगा देना। देख मैं तेरे बाबा के जितना बूढ़ा तो हूँ नहीं, लेकिन तेरे लिए एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ।
अपने इस यंग हैंडसम डायनेमिक और बेस्टीज काका को तू कलर लगा सकती है। खुश रहे, पापा तेरी हर इच्छा पूरी करे। वैसे काका, आपका ये यंग और हैंडसम लुक थोड़ा फीका पड़ रहा है। हाँ? चांद जो नजर आ रहा है। देख देख पल्लवी, तू इसके बारे में कुछ बोल मत। अरे ये तो न्यू स्टाइल, न्यू ट्रेंड, अरे न्यू हेयर कट, इसीलिए मैंने वो ऐसे जानबूझकर रखा है। यस बेब, वेट, आ रही हूँ 15 मिनट में। बाय डैड। अमृता बेटा, कहाँ जा रही हो? अपनी फ्रेंड के घर, होली पार्टी पे। हर साल तो जाती हूँ डैड। अमृता, ये साल हमने क्या डिसाइड किया था? हम में से कोई भी होली नहीं खेलेगा, सिर्फ एक दूसरे को थोड़ा सा रंग लगाएंगे बस। डैड, डिसाइड आपने किया था, मैंने नहीं। और एनीवेज, काकू की मॉम की डेथ से मेरी होली पार्टी का क्या लेना देना? अमृता, काका की बात समझने की कोशिश करो। हम सब एक फैमिली है और फैमिली में एक की खुशी सबकी खुशी होती, और एक का दुख सबका दुख। और परसों सब लोग आ रहे हैं ना, फिर हम सब मिलके मानसी का फंक्शन एंजॉय करेंगे। पल्लवी, तू ना थी? तुम अपना लेक्चर अपने पास रखो। मेरी बेटी को टोकने की जरूरत नहीं है, उसे उसकी माँ ने परमिशन दी है। और अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आके बात करे। अमृता, तू जा, एंजॉय कर। हाँ सुलोचना, ये गलत है, तुम क्यों भेज रही हो उसे? अमृता तू जा, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे ये जो सो कॉल्ड संस्कार है ना, वो तुम अपने पास रखो। मेरी बेटी पर थोपने की जरूरत नहीं है, समझी? कोई बात नहीं काका, आप तो काकू को जानते हैं ना। यही तो प्रॉब्लम है बेटा, तेरे काकू को ये बात समझ ही नहीं आ रही कि उसके लाड़ प्यार से अमृता बिगड़ रही है, उसका नुकसान हो रहा है। और जब तक ये बात सुलोचना को समझ आए, कहीं देर ना हो जाए। कम ऑन काका, बुरा ना मानो, होली है, आज सब माफ। हैप्पी होली अन्ना, ये आपका होली का गिफ्ट। क्या ये? कल रात जिस होटल आप गए थे उसका सीसीटीवी फुटेज। बहुत इंटेलिजेंट बन रहा है तुम। थैंक यू अन्ना। तरह लगा ना? जी। यह आदमी जाना पहचाना लगता है। पल्लवी जी, कृष्णा का कॉल आया था मेरे पास, कह रही थी कि कंपटीशन में साड़ियां सबमिट करने की डेट कल हो गई है। अच्छा, ओके। तो आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आ जाऊं? थैंक यू अभिजीत, पर मैं मैनेज कर लूंगी। मुझे साड़ी मिल गई है, बस उस पे जरी लगानी जो मैं लगा लूं। तुम बस 8 बजे आके साड़ी ले जाना, उसे अच्छे से पैक करके सबमिट कर दें, ठीक है? ओके पल्लवी जी। प्लीज सर, जाने दीजिए सर, बीबी बच्चों वाला आदमी हूँ सर। सर आप ये सब क्यों कर रहे हो? आज रात की प्रैक्टिस है ये। बस कर अमृता, भांग के पेड़े हैं, पहले से नशे में और नशे में चल जाएगी। आई डोंट केयर, ये पेड़े ना बहुत टेस्टी है। संभाल ले, मैं तो सारे खाऊंगी। यार कहाँ जा रही है, घर चल।
ये अमृता मेरे सपनों का घर, मेरे सपनों का हस्बैंड, मेरा फ्यूचर ससुराल। देखो तू चल अमृता, चल तू चल। नो राघव मेरा वन ट्रू लव है यार। मेरे फैमिली का स्पेशल गेस्ट है वो, मेरा होने वाला हस्बैंड है। संभाल अपने आप को अमृता। और मैं उसकी फ्यूचर वाइफ हूँ, तो सुन तो सही, तो उसे मुझे रंग तो लगाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तू ये पकड़। ओके बाय। जा जा तू भाड़ में जा। ओए तू भाड़ में जा। कौन है, कौन है वहां? ये खमंडी राव क्यों फोन कर रहा है? हेलो सारिका दुकान, अभी कभी मेरे घर आओ। क्यों, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी ब्यूटीफुल वाइफ आई है, तो जल्दी नीचे आओ, साथ मिलकर होली खेलेंगे। ये सर अभी बिजी हैं, प्लीज आप बाहर जाइए। अरे हट तो ना, राघव मेरा होने वाला हस्बैंड है, तो आज तो मैं उसके साथ होली जरूर खेलूंगी। अरे तभी तो हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, सर बिजी हैं, हमारा प्यार बढ़ेगा। ए शट अप यू नॉनसेंस, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे राघव की होने वाली वाइफ हूँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ, समझा? सुना? ये अमृता वहाँ कैसे? मैं भी यही पूछ रहा है। लिसन, अब भी क्या अभी, अगर तुम या तुम्हारा फैमिली इस नौटंकी को यहाँ से लेकर नहीं गया ना, तो मैं इसके नाम पे ट्रेसपासिंग का केस लगा देगा और इसको जेल भिजवा देगा। अर्धमहिंदा। नहीं नहीं मैं आ रही हूँ वहाँ पे। ये पकड़, चुप करके खड़े रहो अभी। राघव माय लव, दिस इज फॉर यू। अच्छा सुनो, दो दिन बाद संगीत और शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तुम फ्री रहना। हाँ मैं टाइम और डेट कंफर्म बता दूंगा। ओके हाँ बाय। कुछ लोगों की जिद की वजह से तो होली नहीं खेल सकते, लेकिन ये सब खा के फीलिंग तो ला ही सकते हैं, है ना? क्या हो गया बेटा, सब ठीक तो है? काका एक अर्जेंट काम है, मैं अभी आई। अरे लेकिन सुन तो पल्लवी। बेटा अर्जेंट काम है, मॉय फुट पक्का राघव राव से मिलने जा रही होगी। आने दो बहनी और दादा को, इसका पूरा चिट्ठा ना खोल दिया ना तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए। तुम चिपकू लड़की ऐसा नहीं मानेगा, निकलो यहां से। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, तुम पहले मुझे रंग लगाओ फिर ही मैं जाऊंगी। मेरे साथ होली खेलने का बहुत शौक है ना तुमको? खेलेगा, बराबर खेलेगा, और ऐसा खेलेगा कि तुम जिंदगी भर होली के नाम से डरेगा।
देखा। होली के रंग से प्यार का रिश्ता कंफर्म हो जाएगा। अमृता, अमृता होश में आ, अमृता। ओ हेलो, ये क्या पुराना डब्बा टीवी है क्या, जो चार हाथ मारे तो चालू हो जाएगा? बंक पी के लुढ़क गया ये, 10-15 घंटे ऐसे रहेगा ये। ये लड़की भी ना कुछ भी करती, लेकिन इसे इतनी सारी भांग मिली कहाँ से? और ये यहाँ क्या कर रही थी? ये चिपकू से पूछो। लेकिन इसे कुछ हो गया तो? डोंट वरी, कुछ नहीं होएगा, थोड़ा आराम किया तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं कैब बुक कर देती हूँ, उसे लेकर चली जाती हूँ। ओ हेलो, सारी का दुकान, कौन से दुनिया में तुम? आज होली है और आज के दिन ऐसा ही लोग पागल हो जाता है। ऐसा हालत में तुम दोनों कैब में जाना नॉट सेफ। चलो मैं तुमको ड्रॉप करके आता है। नहीं नहीं, कैब से जाऊंगी तो कम से कम घर तो पहुंचूंगी। तुम ऐसी हालत में गाड़ी चलाओगे तो मैं सीधा ऊपर जाऊंगी। सुनो, तुम मेरा फिकर मत करो, मैं अपना मैनेज कर लूंगी, तुम अपना सोचो। अच्छा ठीक है, मैं ड्राइव नहीं करेगा, लेकिन मेरा ड्राइवर तुमको घर छोड़ देगा। ओके ओके, थैंक यू। जी हाँ, वो वहिनी की आई की वजह से हम इस बार होली नहीं मना पाएंगे। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने सुलोचना जी, आप लोगों से सबको सीख लेनी चाहिए। देखिए ना, मेरे बच्चों का उनसे कोई खास रिश्ता भी नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी सबको बता दिया कि घर में कोई खुशियाँ नहीं मनाएगा अगर कोई एक इंसान दुखी हो तो। जी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ नमस्ते। मेरी बेटी को लेक्चर देने के बाद देख लो उस विधवा को, लगता है अपने यार के साथ होली मना कर आ रही है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।